जय श्री राम सारे भक्तों को, सारे लोगों को। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। मैं जानना चाहता हूँ सर, आप बहुत बड़े भजन गायक हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपके गानों को मैंने देखा मिलियन मिलियन प्लस व्यूज हैं, और मैं भी सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज यहाँ पे, आज हम टी सीरीज में आए हैं, तो आज क्या आप नया हमारे लिए लेकर आ रहे हैं अपने फैंस के लिए? मैं आपको बताता हूँ, ये दो भजन मेरे इस महीने आ रहे हैं। एक भजन मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ टी सीरीज पे, जिसका नाम था माँ ने दर पे बुला के। अब जो दूसरा भजन है वो मेरा टी सीरीज पे आज अभी रिलीज हो रहा है, और उसका है नाम श्री राम पधारे हैं। नाम है श्री राम पधारे हैं, और ये मैंने बहुत दिल से लिखवाया है भजन, जिसके प्रमोद शर्मा जी जो हैं वो मेरे राइटर हैं, इसके लिए लिरिस्ट हैं, और उनसे मैंने लिखवाया है। बहुत ही प्यारा भजन है, और इसको मैंने शूट जो किया है 6 तारीख को, मैं अयोध्या जी में था। यहाँ से मैंने फ्लाइट ली लखनऊ, लखनऊ से पहुँचा अयोध्या जी, अयोध्या जी में मैंने शूट किया, और 8 तारीख अर्ली मॉर्निंग में वापस आया। अच्छा, मेरा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस, जैसे आपने मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस कभी महसूस नहीं हुआ जो अयोध्या जी में जाके हुआ, क्योंकि हम 500 साल से हम सब वेट कर रहे थे अयोध्या जी में जी मंदिर तो के लिए। आपके जो इस सॉन्ग की जो आप लॉन्च कर रहे हैं, तो पहले से प्लानिंग थी या अभी 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, उसको लेकर आपने ये सॉन्ग बनाया, जैसे कि और लोग भी रामलला पर बहुत सारे सॉन्ग जारी कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी जो प्लानिंग बनी जब ये डेट अनाउंस करी, उसके बाद में मेरी प्लानिंग थी, बट मेरे पास में कम से कम 8-10 गाने आए हैं, बट मेरे को वर्डिंग्स नहीं समझ आ रहे थे, बहुत मुश्किल से मैंने 2 गानों पे, मैंने 2 भजन के ऊपर मैंने एक्सेप्ट किया, जिसमें से एक भजन मैंने टी सीरीज को दे रहा हूँ और एक भजन मैं अपने चैनल पर कर रहा हूँ। अभी आने वाले दौर में कितने और गाने आप लाने वाले हैं? सर, मेरा जो सिस्टम रहता है, हर महीने एक भजन, तो वो तो कन्फर्म्ड है, जिसमें अगर टी सीरीज को पसंद आता है तो मैं ज़रूर उनको देता हूँ, एक भजन उनको देता हूँ, तो अपने चैनल पे भी एक भजन करता हूँ, तो ये मेरा फिक्स रहता है। 12 12 महीने में 12 भजन तो कन्फर्म्ड है, इसके अलावा जो भी ऐड हो पाते हैं मैं ज़रूर देता हूँ। कितने उत्साहित हैं श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और अपने इस लेटेस्ट भजन को लेकर आप? सर, मैं आपको प्रभुजी सही बताऊं, दिल से बता रहा हूं, जब मैं वहां पे अयोध्या जी पहुंचा, तो मुझे मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मतलब समथिंग समथिंग कुछ अलग ही मेरे अंदर कहते हैं ना, ऊर्जा आ गई है, और मुझे पता नहीं, आप ये जब जाएंगे इस भजन को सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि वो एक अलग एनर्जी में मैंने शूट किया है। आप समझ सकते हैं, एक आदमी को जो 8 दिन लगाता है एक भजन के शूट को, वो मैंने 2 भजन एक ही दिन में शूट करे हैं, तो एक ही दिन में, क्योंकि मेरे को शाम को मेरे को निकलना था, रात की मेरी फ्लाइट थी 2 बजे की, और मुझे वो भी लखनऊ से अयोध्या जी से मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिली उस दिन, तो वो मेरा थोड़ा सा बैड लक रहा, नहीं तो मैं और मेरे को कुछ टाइम मिल जाता अयोध्या जी में। सर, 2 लाइनें गुनगुना देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कमाल मंदिर विशाल तब नजर उतारे हैं, क्या कमाल मंदिर विशाल तब नजर उतारे हैं, अयोध्या में फिरते श्री राम पधारे हैं, अयोध्या में फिरते श्री राम पधारे हैं, बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री क्या राम। बात है सर, ये वाला भजन जो आज हमारा टी सीरीज पे रिलीज हुआ है, उसके वो मैंने उसकी आपको 4 लाइनें सुनाई हैं। धन्यवाद सर, जय श्री धन्यवाद। राम भक्ति सागर पर रिलीज हुआ है, और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हर हर व्यक्ति को, हर फॉलोअर को, हर सब्सक्राइबर को मैं जरूर जवाब दूंगा, जो जो इस पे कमेंट करेगा। अयोध्या की धरती पर आपने शूट किया था, तो कैसा अनुभव रहा? अयोध्या जी में जब मैंने शूट किया था, तो मैंने कोई जगह वहां पे नहीं छोड़ी। अयोध्या जी के मंदिर के बाहर तक, जहाँ जहाँ तक कहते हैं मोबाइल फोन ले लेते हैं, वहाँ पे मैंने उधर तक मैंने वहाँ पे शूट करा, और उसके बाद में सरयू नदी के यहाँ पे शूट किया,
आरती सरयू नदी की आरती पे मैंने शूट किया। उसके बाद मैंने वहाँ वहाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से हमारी मोदी सरकार आई है इन्होंने अयोध्या जी में खूब काम किया है और खूब काम चल भी रहा है। आने वाले साल दो साल के अंदर ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक जगह हो जाएगी, जो मानना पड़ेगा हम सबको। तो चेतन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो देशवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु जी हम सब ने 500 साल बोलना बहुत आसान है सर, एक साल किसी को दिक्कत हो ना, एक साल एक दिन तो भी वो कहता है उफ आ ए, मगर ये मेरे प्रभु राम हैं जिन्होंने 500 साल इंतजार करी है और उनके भक्तों ने इंतजार करी है, और आज जब हमें मौका मिला, और मैं कह रहा हूँ हमारे लोगों से जैसा, आप लोगों से जैसा भी, मैं कह रहा हूँ किस्मत वाला कोई नहीं होगा कि प्रभु राम जी का मंदिर आप लोगों के सामने बन रहा है। चेतन जी आपकी आवाज में आपका जो भजन आने वाला है उसकी कुछ झलक दिखा दीजिए, वैसे तो 6 बजे आपका गाना सारी दुनिया ही देख लेगी। ठीक है, वो मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ मेरे टी सीरीज भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करिए और चेतन कृष्णा मल्होत्रा को भी सब्सक्राइब करिए। मेरे कुछ भजन उधर आते हैं और कुछ भजन इधर आते हैं, और ये जो है मैं आपको जो टी सीरीज पे रिलीज हो रहा है मैं उसको सुना रहा हूँ। क्या कमाल मंदिर विशाल सब नजर उतारे हैं, क्या कमाल मंदिर विशाल सब नजर उतारे हैं, अयोध्या में फिरते श्री राम पधारे हैं, अयोध्या में फिरते श्री राम पधारे हैं, बोलो बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम।